जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके हाथ में पूरी पावर होती है, तो देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के लिए और देश की बहन बेटियों के लिए ऐसी कौन सी पार्टी है जो इस देश को एक सही दिशा और एक सही दशा दे सकती है? देखिए मैम, आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, कोई कहने में संकोच नहीं है कि सारी पार्टियां और सारे लीडर इस बात को मानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर बहन कुमारी मायावती जी के शासन में, मतलब ये मनवादी सरकार रहेगी तब तक कोई घटना नहीं रुकने वाली। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार आए दिन होते रहे। कि जो आज देश में जातीय व्यवस्था है उसके कारण बहुजन समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी, किया जा रहा है। वैसे नहीं हुआ है तो क्यों सरकार ने इंतजार नहीं किया? आज तक के इतिहास में रात को 2:30 बजे किसी भी बलात्कार शिकार बेटी का संस्कार नहीं किया गया, तो मनीषा का रात को बगैर परिवार के पुलिस ने संस्कार क्यों किया? अभी थाने से आ रहे हैं। अच्छा, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, आतरस के डीएमएसपी को अरेस्ट करो, आतरस के डीएमएसपी को अरेस्ट करो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हाथरस के डीएमएसपी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, हम पहुंचे आज दिल्ली के नांगलोई में, जहां पर बहन मनीषा के प्रोटेस्ट में ये लोग जो कैंडल मार्च है उसका आयोजन कर रहे हैं। तो पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है? कैलाश चंद माथुर हमारा नाम है। कैलाश चंद माथुर जी, जैसा कि नाम से ही परिचित होता है माथुर, और आप सभी जानते हैं कि माथुर किस कम्युनिटी से आते हैं, जबकि समाज धोबी समाज से आता। जी जी, मैं वही बताने वाली थी। आज जो बहन मनीषा है वो वाल्मीकि समाज से आती है, लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं कि आज रजक समाज भी कितनी भारी तादाद में यहाँ पर प्रोटेस्ट में उतरा है। तो आपकी क्या मांगे हैं? मैडम, हमारी पहली मांग ये है कि सबसे पहले तो हाथरस के जो डीएम और एसपी हैं उन पे SC ST का मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, और जो बलात्कारी हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके जल्दी से जल्दी उनको फांसी दी जाए। दूसरा, योगी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज मनीषा के बाद, अभी ये आग ठंडी नहीं हुई थी, उसके बाद बलरामपुर में दूसरी सेम घटना हो गई, उस बहन के रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, पैर तोड़ी गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। इसका मतलब योगी से प्रदेश नहीं संभल रहा है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जी, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं जो मेन मीडिया वो दिखा रहा है कि जो बेटी मनीषा है और जो बेटी वंदना है, अभी जैसा कि आपने बताया, वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि इन दोनों बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं हुए। तो इस पर क्या कहना है आपका? मैडम, अगर बलात्कार नहीं हुआ है तो क्यों सरकार ने इंतजार नहीं किया? आज तक के इतिहास में रात को 2:30 बजे किसी भी बलात्कार शिकार बेटी का संस्कार नहीं किया गया, तो मनीषा का रात को बगैर परिवार के पुलिस ने संस्कार क्यों किया? क्यों उसकी मेडिकल जांच नहीं कराई गई? हमारी मांग ये है कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनको तुरंत SC ST के आयोग के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए और इसकी CBI जांच होनी चाहिए। जी, आज पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये सरकार इतनी गंदी है, इतनी भड़वी सरकार है कि इंसान मिलना तो दूर की बात है, ये गिरफ्तार भी नहीं होंगे, क्योंकि इस सरकार में मनुवादी सरकार है, इनकी मनुवादी सोच है, और ये जो है गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है। क्योंकि जितने जो हाई कास्ट के ये लोग हैं, आज हमने देखा है, मतलब जो बलरामपुर में हुआ है, आजमगढ़ में हुआ है, और तुम्हारे क्या नाम हाथरस में हुआ है, ऐसे कांड हुए, इन पर कोई सरकार मतलब एक्शन नहीं ले रही है ताकत पावरफुल से। ये हमारी मांग है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, इनको फांसी दी जाए और इन पर कार्रवाई सख्त कार्रवाई करी जाए। जी, लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे दोषियों को फांसी होनी चाहिए और इस फांसी की सजा इतनी भयानक होनी चाहिए कि
कम से कम भविष्य में लोग देखकर उनकी रूह कांपे और इस तरह के जो जघन्य अपराध है उनको अंजाम ना दे। और इसी कड़ी में मैं दोबारा से कैलाश माथुर जी को लेना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी, कैलाश माथुर जी, जो यूपी सरकार है उसने मनीषा वाल्मीकि के लिए जो मुआवजा देने की घोषणा की है वो 25 लाख दी है, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जब स्वर्ण समाज की किसी बहन बेटी के साथ में होता तो उसको करोड़ों रुपए मुआवजा दिया जाता है, इस पर क्या कहना है आपका? मैडम, जो मेरा मानना है कि सरकार को भेदभाव ना करते हुए जो सुविधाएं निर्भया कांड में दी गई वही मनीषा को मिलनी चाहिए, वही उनके परिवार को मिलनी चाहिए। जो न्याय हैदराबाद में हुआ था डॉक्टर के रेप के बाद, वही न्याय इनके साथ होना चाहिए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए और बहन को आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब चारों दोषी ये फांसी के फंदे पे लटके होंगे या फिर इनकाउंटर होगा इनका। बिल्कुल, इसी कड़ी में मेरे साथ में एक महिला और है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि जो ये घटना घटी है इस पर आपका क्या कहना है? हमें मनीषा बेटी का बहुत दुख हुआ सुन के, उसके साथ बहुत दुष्व्यवहार हुआ, बहुत ज्यादा सुन के आत्मा कांप जाती है बहुत। हमें भी न्याय उसको न्याय मिलना चाहिए, जब उसकी आत्मा को शांति मिली जैसे निर्भया को न्याय मिला वैसे ही मनीषा बेटी को न्याय मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो आज देश में जातीय व्यवस्था है उसके कारण बहुजन समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ जी, किया जा रहा है, वैसे बहुत वो कर रहे, बहुत मतलब इसको कुछ वो नहीं कर रहे। तो साथियों, अब कोई वो नहीं हुआ है किसी का भी, मोदी या कुछ भी हो, किसी ने कुछ किया जो निर्भया के उसमें हुआ था वो मनीषा के उसमें नहीं हुआ है। तो साथियों, आपने सुना और मेरे साथ में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटी, आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम देखने आए हैं कि ये क्या चीज़ हुई है यहाँ पे, लड़की के साथ गलत हुआ है, इस लड़के को खड़े करके रोड में फायर करना चाहिए इस लड़के को। बिल्कुल, तो अभी आपने इस बिटिया से सुना, इस बिटिया ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथियों, आप सभी जान, यहाँ पर मेरे साथ में कुछ युवा साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि जो हाथरस की घटना घटी है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में लगातार कई ऐसी घटनाएं घटी है, चाहे हम यूपी के कई क्षेत्रों की घटना ले लें, जिलों की घटना ले, तो ऐसी घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? जी, प्रशासन पूरी तरह से यूपी का ध्वस्त हो चुका है, जो वहाँ की सरकार है उसको अपनी जिम्मेदारी लिखते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ की हालात बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे जिस दिन क्राइम नहीं घट रहा है यूपी के अंदर, और यूपी के हालात इतने बुरे हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं कि वहाँ पे एक इंसान का रहना दूभर हो चुका है, वो पूरा अपराधियों का माफिया गैंग बन चुका है पूरा यूपी का जो क्षेत्र है। जी, जिस तरह से हाथरस की घटना हुई उसी तरह से हमने देखा है कि कल बलरामपुर में भी ऐसी घटना हुई है और कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है, तो ऐसी घटनाओं को कब रोका जा सकता है, आपको क्या लगता है? जब तक ये मनवादी सरकार रहेगी तब तक कोई घटना नहीं रुकने वाली, जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार आए दिन होते रहेंगे। बलरामपुर की घटना हुई, जहर का इंजेक्शन लगा के मारा गया, लेकिन इस जो मनीषा है इसके साथ में तो ज़्यादा ही दुर्व्यवहार करा गया। एक यहाँ आने सफदरगंज में आने के बाद भी उसे जायके नहीं है, हाथरस जलाया गया रात के 2:30 बजे, ऐसा तो कोई नियम है नहीं जो हिंदू धर्म में किसी को रात में डेड बॉडी को जलाया गया हो। ऐसी क्या उसके उस बॉडी से इतना डर लग रहा था कि उसको रात में जलाया गया? मेरे हिसाब से उस बॉडी को जलाने के पीछे बहुत बड़ा राज है। इन्हें जो 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 जुर्म करा है जिन्हों को छिपाने के चक्कर में, उनको बचाने के चक्कर में सारा सरकार का षड्यंत्र है। जब तक सरकार ये नहीं जाएगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। चाहे तो जी कोई भी कानून बना लें, चाहे कोई भी कुछ भी कर लें, चाहे SIT का गठन कर लें, SIT में उन्हीं के लोग होंगे। आप सोचो हमें SIT में न्याय मिले, कभी नहीं मिलेगा। तो अभी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का भी जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, खासकर इस घटना को? देखिए मैडम, मैं इस मैटर में बिल्कुल भी राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जिस पार्टी की सरकार है चिमयानंद जैसे बलात्कारी को जमानत देती है, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी जिसने पूरा परिवार खत्म किया है उसको जमानत देती है, तो ऐसी सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि यूपी सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ पर तुरंत दोबारा चुनाव करा करके जनमत के साथ वहाँ सरकार नियुक्त की जाए जिससे हमारी बहन बेटियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। रही बात इसकी चुनाव की, चुनाव में जनता का मूड है किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन ये निश्चित है कि योगी सरकार कल चुनाव करा लो कल यूपी से चली जाएगी। जी, इसी कड़ी में कुछ साथी और हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो हाथरस की घटना आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो दलित विरोधी है,
और जितने भी अत्याचार हो रहे हैं यूपी के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, वो दलितों पर ही अत्याचार क्यों बढ़े हैं? जब से मोदी जी की सरकार आई है, बाकी अदर कास्टों पर भी अत्याचार हुए हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा दलितों पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हुए हैं। और बर्बरता इस हद हो गई है कि जैसे इनको लगता है कि ये हमारे देश के ही नहीं हैं या हमारे धर्म के ही नहीं हैं, इस तरह से एक बदले की भावना के तहत ये लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें पूरा सहयोग हमारे यूपी सरकार का और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है, क्योंकि सहयोग नहीं होता तो इनके ऊपर कार्रवाई करी जाती थी, और इनके कोई कार्रवाई नहीं, सरकार कोई ना यूपी पुलिस यूपी सरकार कोई एक्शन ले रही है, ना सेंटर की कोई गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, क्योंकि कि जो अत्याचार हैं ये गिन गिन करके चुन चुन करके दलितों के ऊपर हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हम दलितों को ये समझना होगा, सोचना होगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सोचना होगा कि सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर ही क्यों बढ़े हैं। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब भी ये हमारी मांगें मानी जाएंगी। नहीं तो हमारी एक मनीषा, हर रोज़ एक मनीषा नहीं कई कई मनीषाओं का नाम हमारे सामने आ रहा है, हर रोज़ आ रहा है। तो ये हम लोगों को एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध हमें खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारी बहन मनीषा को हम सही न्याय दिला सकते हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि इसकी सही से जांच हो, सीबीआई जांच कराई जाए, और ये जो दोषी हैं इनको चौड़ाई पर खड़ा होकर के या तो इनकाउंटर कराया जाए या नहीं तो फांसी की सज़ा दी जाए, जैसे आगे में कोई ऐसा अत्याचार ना हो। और बहन मनीषा जी के पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो जो देना चाहिए वो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, और सीबीआई जांच करा के इनको फांसी दी जानी चाहिए। और सरकार के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के ये करेंगे तभी हो सकता है, अन्यथा ये सरकार कभी हमारे को न्याय नहीं देगी। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक युवा साथी और है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जो उत्तर प्रदेश की घटना है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं। मैं इसमें यूँ कहना चाहूंगा कि इसमें जरूर से जरूर कोई ना कोई इनके पीछे ऐसा कोई सपोर्ट है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इतनी हिम्मत ऐसे किसी में नहीं है कि, और इतनी ऐसी हत्या होने के बावजूद जो 2:30 बजे मृत्यु बॉडी को लगा दिया जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर बैक सपोर्ट है। अगर ये बैक सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होता। और लड़की को अगर एनकाउंटर हुआ है तो उस टाइम की उस एरिया की पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वालों की बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने अगर रात में अगर ऐसी वारदात हुई है तो क्यों हुई है? उस एरिया की पुलिस सिस्टम क्या कर रही थी? क्या काम है उनका? यही तो काम है उनका। जी बिल्कुल, इसी कड़ी में मैं दोबारा से कैलाश माथुर जी को लेना चाहूंगी। और कैलाश माथुर जी, मेरा खासकर आपसे ये सवाल रहेगा कि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं, इस तरह के जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या ऐसे लोग सड़कों पर उतर कर जो हमारा भविष्य, हमारे समाज की बहन बेटियां, इस देश की बेटियां, उनके भविष्य को उज्ज्वल कर पाएंगे? जी मैम बिल्कुल, जिस तरह से हमारे बहुजन समाज में जागरूकता बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि हम जातिवाद से ऊपर उठकर, मैं धोबी समाज से बिलोंग करता हूँ, ये वाल्मीकि समाज की बेटी है, हम साजिश के तहत जातियों में बांटे गए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आकर जिस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, ये अत्याचार करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्या आपको लगता है नहीं है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके हाथ में पूरी पावर होती है, तो देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के लिए और देश की बहन बेटियों के लिए ऐसी कौन सी पार्टी है जो इस देश को एक सही दिशा और एक सही दशा दे सकती है? देखिए मैम, आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं कोई कहने में संकोच नहीं है कि सारी पार्टियां और सारे लीडर इस बात को मानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर बहन कुमारी मायावती जी के शासन में यूपी में रहा है वो किसी सरकार में नहीं रहा है। मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं कि सारी बातों से ऊपर उठ करके बहुजन समाज पार्टी के लिए वहां पे सपोर्ट करें जिससे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके। बिल्कुल साथियों, अभी आपने सुना कि दिल्ली के लोग भी ये मानते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का शासन रहा, आज तक किसी का भी नहीं रहा है, तो वो आने वाले भविष्य में यही उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए ताकि लोगों को उचित न्याय मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।